गाइस, गुन्ने भट्ट ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो आज मैं जा रही हूँ मोड़, तो अभी मैं दिखाऊंगी वहाँ मंदिर, सूर्य मंदिर। तो चलिए गाइस मेरे साथ मोड़ की तरफ। गाइस मैं जाने लगी मोड़ को और मैं दिखाऊंगी अभी मोड़ का सूर्य मंदिर। और मैं जा रही हूँ इस रास्ते में, मोड़ के रास्ते में, और मैं अभी दिखाती हूँ कि मोड़ का सूर्य मंदिर सामने पे दिख रही है मोड़। और अभी मुझे यहीं जाना है तो मैं दिखाऊंगी वहाँ जाके। आज मैं सुबह तो नहीं जा पाई थी, कलश यात्रा नहीं दिखा पाई थी, लेकिन मैं अपने ब्लॉग के माध्यम से ज़रूर दिखाना चाहूँगी कि अब तक कलश यात्रा मोड़ की पहुँचे। वो भी मैं इसमें डालूँगी, देखती हूँ किसी से मांग कर कि मुझे क्या पता मिल जाए, क्योंकि स्कूल था तो मैं सुबह के टाइम पे कलश यात्रा पे नहीं जा पाई थी। तो गाइस बने रहिए मेरे साथ और मैं आपको पूरी कोशिश करूँगी दिखाने की कलश यात्रा। तो गाइस बने रहिए मेरे साथ। और गाइस ये है यहाँ की रोड, जो मैं रोड के रास्ते जा रही हूँ। अभी कच्ची है, अभी इसमें डामर नहीं हुआ है, तो इसमें पूरी धूल ही धूल उड़ रही है चलने में भी। तो मैं यहाँ से जा रही हूँ मोड़ की तरफ। अब सामने पे रह गए हैं मोड़ का गांव, और यहाँ पे गाड़ियाँ पार्क की गई हैं लोगों के द्वारा। और सामने पे रह गया गए जब मैं पहुँचने वाली हूँ कुछ ही देर में। तो गए इस तरह से यहाँ पे पूरी गाड़ियाँ पार्किंग हो रखी हैं, बाइक और इस साइड गाड़ियाँ पार्किंग हो रखी हैं। तो गाइज इस तरह से यहाँ पर कलश यात्रा शुरू हो रही है, और जो बड़ा ही सुंदर भव्य रूप ले रहा है, हमारी संस्कृति को दर्शा रहा है। सभी लोग इस तरह से कलश सर पे रख कर जा रहे हैं, और यहाँ हमारे खबर वाले भाई भी पहुँचे हुए हैं जो दिख रहे हैं। और ये कलश बड़ा ही सुंदर लग रहा है। इस तरह से कलश यात्रा यहाँ पर की जा रही है महिलाओं के द्वारा। तो गाइज बड़ा ही सुंदर लग रहा है, और ये कलश यात्रा यहाँ से अभी जाएगी मंदिर में, जो अभी आगे देखने को मिलेगा। तो गाइज बड़ा ही अच्छा यहाँ पर लग रहा है, हमारी सांस्कृतिक को दर्शाया जाता है, जा रहा है रंगाली पिछोड़ा छोड़ा पहन के, और नथ मांगटिका ये सब औरतों के द्वारा पहन के यहाँ पे हमारी सांस्कृतिक को दर्शाया जा रहा है। तो बड़ा ही सुंदर रूप ये ले रहा है, एक भव्य रूप यहाँ पर ले रहा है, और ढोल ढमोल के साथ यह मंदिर तक यह यात्रा को पहुँचाई जा रही है। बहुत अच्छा यहाँ पर लग रहा है, देखते हुए बड़ा ही प्यारा लग रहा है। हमारे साथ भी रीति रिवाजों को यहाँ पे दर्शाया जा रहा है, जो आप मेरे ब्लॉग के माध्यम से देख रहे हैं। जो आगे पे हो रहे हैं। मैं मोड़ तो पहुंच गई हूँ, और मैंने मंदिर भी दिखा दिया है। तो गाइज आज शाम को होने वाले भजन, जो मैं अभी दिखाऊंगी अपने ब्लॉग के माध्यम से, तो बने रहे गाइज मेरे साथ। उससे पहले भजनों से पहले होने वाले कार्यक्रम को मैं दिखाऊंगी अपने ब्लॉग के माध्यम से।
और ये है यहाँ के पूरे हरे हरे खेत जो जिसमें अनाज उगा हुआ है और नीचे खाने की पूरी वो लगा रखी है रिद्धि। बड़े ही सुंदर लग रहा है और यहाँ पे आग जली हुई है और ये है हमारा आदित्य सूर्य मंदिर जो सामने पे दिख रहा है। यहाँ पे कलश से पूरा सजा हुआ है, जो सुबह कलश यात्रा हुई थी वो सारे कलश यहाँ पे सजे हुए हैं और यहाँ पे गाने के लिए हारमोनियम तबला यहाँ पे लगने लग गया जो तो गाइस यहाँ पे सारी औरतें बैठे हुई हैं और कुछ ही समय पर यहाँ पे भजन शुरू हो गए और ये हमारी ताई से भोजन किया जाता है एक साथ बैठ के जो आप देख रहे हैं हमारी पहाड़ की संस्कृति इस तरह से दर्शाया जा रहा है। ये है यहाँ का मंदिर, बड़ा ही सुंदर मंदिर और जो दिख रहा है। तो गाइस पहाड़ों में इस तरह से खाया जाता है एक साथ बैठकर।
और इस तरह से बांटते हैं जो दिख रहा है आपको सामने पे। गाइज मेरी ब्लॉग अच्छी लगी तो लाइक करना और सब्सक्राइब करना, और गाइज बने रहे मेरे साथ और पार्ट टू में देखिए मेरी ब्लॉग शाम के भजनों की जो मैं अभी बनाऊंगी, और भारतीय टीम आने वाली है वो मैं दिखाऊंगी तुम्हें अपने ब्लॉग के माध्यम से।